हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो फुल डे सपोर्ट। फ्रेंड, इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना चैनल का लोगो कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, या आप अपना चैनल का प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्क्रीन शॉट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लेना है, या तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिक्सल लैब। आपको प्ले स्टोर में सिंपली पिक्सल लैब मिल जाएगा दोस्तों, या तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। इसके बाद उसको ओपन करने के बाद इस तरह के कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कोई भी कलर वाला चूज कर लेना है दोस्तों आपका, जैसे कि मेरा एक चैनल है इंटरटेनमेंट धमाका, तो मैं उसी हिसाब से अपना कलर चूज कर रहा हूँ या कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कलर के ऑप्शन में क्लिक किया। इसके बाद जो भी कलर हमको अच्छा लगेगा मैं चूज करूँगा दोस्तों, ब्लू कलर कुछ इस तरीके से मैं देखिए चूज कर लिया ब्लू कलर। इसके बाद यहाँ से ऊपर से प्लस वाले आइकन पे ला के टेस्ट को प्लस करके ला के आपको एडजस्ट करना है बीच में दोस्तों। नीचे वाले बटन जो दिख रहा है दोस्तों सर्कल में, उस बटन को खींचने पर दोस्तों साइज बड़ा होगा। इसके बाद यहाँ टेस्ट ए जो बना है उसमें टेस्ट पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आप अपना टेस्ट एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरा एक्सपेरिमेंट धमाका है तो मैं ई यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कैपिटल लेटर पे। आप अपना जैसा लोगो बनाना चाहते हैं उस टाइप का आप लोगो अपना बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमको ई और स्मॉल डी लिखना है दोस्तों, केवल अपना इस एक्सपेरिमेंट धमाका चैनल का। तो मैं उस हिसाब से रख रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर इसको मैंने कुछ बड़ा किया, इसके बाद इसको बीच में ला के एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से दोस्तों, ये फंटास्टिक है। इसके बाद मैं इसका कुछ कलर वलर, इसके बाद दूसरा टेस्ट भी लाने के बाद ऊपर उसको रोक देते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका कलर एडजस्ट करते हैं, यहाँ से कलर वाले पे क्लिक करके दोस्तों इसको स्लाइड करने पे कलर हम दोस्तों इसका रेड, चाहे जो भी हमको अच्छा लगे, हो सके तो रेड कलर ही अच्छा लगेगा तो मैं रेड कलर ही इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसको बगल में स्लाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, फॉन्ट से आप इसका लेटर को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। हम रेगुलर वाले लेटर पर क्लिक कर दिए, इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से फॉन्ट इसका बदल गया। इसके बाद कलर, इसके बाद स्ट्रोक आपको लगा देना है दोस्तों कुछ इस तरीके से। इसके बाद 3D टेस्ट कर देना तो आपको 3D टेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद 3D रिफ्लेक्शन दोस्तों पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से दोस्तों, देख रहे हैं आपका कुछ क्वालिटी बदल रहा है आपका टेस्ट का। इसके बाद से सेकेंड टेस्ट को ला के बीच में जिसमें लिखना है दोस्तों स्मॉल डी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है एक्सपेरिमेंट धमाका, उसी हिसाब से मैं अपना चैनल क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। आप अपना चैनल अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे। स्मॉल डी को मैं बीच में एडजस्ट करूँगा कुछ उसके और आगे ए बीच में दोस्तों कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब फिर जो प्रोसेस पिछले बार किया था, कलर, इसके बाद फॉन्ट, इसके बाद 3D टेस्ट। तो कलर मैंने इसको दोस्तों चूज करूँगा, कुछ हाईलाइट कलर होना चाहिए दोस्तों, जैसा कि हो सके तो येलो कलर हमको चूज करना पड़ेगा या तो पिंक। तो दोस्तों मैं येलो कलर ही चूज कर लेता हूँ जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद इसका फॉन्ट, इसके बाद स्ट्रोक करेंगे तो दोस्तों इसकी क्वालिटी में इम्प्रूव आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों रेगुलर फॉन्ट कर देते हैं ये क्लिक करके, इसके बाद क्लिक नहीं हुआ था दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए दिख रहा है रेगुलर फॉन्ट पे कुछ लेटर दोस्तों हो जाता है, कुछ मोटा हो जाता है। इसके बाद स्ट्रोक पे करना है, इसके बाद 3D टेस्ट में जैसा कि स्ट्रोक कर दिया देखो, देखिए दोस्तों स्ट्रोक पे क्लिक करने पे दोस्तों आपको ब्लैक कलर का हो जाएगा आपका लेटर के किनारे किनारे। इसके बाद 3D टेस्ट कर दिया दोस्तों, इसके बाद 3D शैडो पे क्लिक करना है जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे एकदम सटीक। इसके बाद आपको दोस्तों कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों। आपका लेटर बन के रेडी हो गया, इसके बाद 3 डॉट कॉर्नर पे जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक्सपर्ट इमेज में क्लिक कर दीजिए, सेव टू गैलरी, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं सेव टू गैलरी। जैसा कि दोस्तों मैंने टेस्ट को उस पर सेव कर दिया है, इसके बाद अपना यूट्यूब खोल लेना कुछ इस तरीके दोस्तों होम पेज। इसके बाद अपना लोगों पर जो मेरा पहले से लोगो था उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसा कि मेरा लोगो पहले का दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है योर चैनल पर, आपको क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद एडिट चैनल दोस्तों आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है दोस्तों। मेरा कुछ नेट स्लो है, इसके बाद आपको कुछ वहाँ पे जहाँ पे स्लाइड कर रहा है दोस्तों राउंड राउंड, वहाँ पे आपको कैमरा का निशान आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको चैनल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा गैलरी से दोस्तों, जो हम लोग पिक्सल ऐप से बनाए थे अपना लोगो चैनल का दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग के सामने दिख रहा है। तो मैंने उस पर क्लिक किया, फिर चूज फ्रॉम योर फोटो, वहाँ से नीचे वाले पर क्लिक करना है तो आपको गैलरी से फ़ोटो चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों देख रहे होंगे। नीचे वाले पे मैंने क्लिक किया तो रीडायरेक्ट आपको गैलरी में कर दिया। देखिए दोस्तों मेरा जो
पिक्सल ऐप से ऐड किए थे, तो इसको बीच में एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर वाले सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि दोस्तों राउंड राउंड कर रहा है। इसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, तो आपके समझ चलिए कि वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली दोस्तों। जैसा कि दोस्तों वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, नेट स्लो है, देखिए दोस्तों वो अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको पीछे का बैनर लगाना है, तो उस पर भी कैमरा वाले पे क्लिक करके मैं कुछ इस तरीके से पीछे का बैनर सेलेक्ट करूँगा दोस्तों। जैसा कि ये येलो वाला को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी बीच में एडजस्ट करके ऊपर से बटन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये चैनल के पीछे बैनर में फ़ोटो लग जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कुछ नेट स्लो होने के कारण ये स्लो काम कर रहा है दोस्तों, जैसा कि अभी राउंड राउंड हो रहा है। और जो फर्स्ट वाला चैनल का लोगो लगाया वो दोस्तों दिख, देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली दोनों हो गया, सामने का भी फ़ोटो पीछे का भी फ़ोटो, जैसा कि मेरे चैनल में भी दोस्तों। अब इसको अपडेट होने में भी टाइम लगेगा 1-2 मिनट का। फिर से दोस्तों मैं क्लिक करूँगा अपना चैनल के लोगो पे, अपडेट हुआ कि नहीं, इसके बाद कुछ खुल के आएगा। रुकिए दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों मैंने फिर से क्लिक किया अपने चैनल के लोगो पे, तो देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी अपडेट हो गया दोस्तों। जैसा कि आपको पहले दूसरा लोगो था, अब दूसरा लोगो आ गया सक्सेसफुली। आई होप दैट दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं।